नमस्कार, एमकेएन स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का श्रेय लेने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस और बीजेपी में होड़ सी लगी हुई है। शुक्रवार की बात करें तो कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ को धन्यवाद देने के लिए आभार यात्रा का श्री गणेश किया, जिसे स्वयं कमलनाथ ने हरी झंडी दिखाई। यह यात्रा प्रदेश के 14 जिलों में जाएगी। दरअसल शिवराज सरकार ने शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा निकाली थी, जिसके बाद कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में इसकी परीक्षा हुई और रिजल्ट आ गया। और इसी बीच कमलनाथ सरकार गिर गई और फिर शिवराज सरकार आ गई। शिवराज सरकार में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, सभी चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन शुरू हुआ, लेकिन कोरोना काल में परिवहन सुविधा बंद हो जाने के चलते प्रक्रिया रोक दी गई, जिसके बाद दूसरी लहर के दौरान यह प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई। सभी का वेरिफिकेशन कर लिया गया। जब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया और तैयारी की जा रही थी तो फिर फाइनल लिस्ट निकलने वाली बात आई, तभी 14 से 27 फीसदी बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट ने स्टे लगा दिया। वहीं इसके बाद से तारीखों पर तारीख मिलती जा रही है। ताजा हालात तो ये है कि इस मुद्दे पर 20 सितंबर की बात करें तो अंतिम सुनवाई के लिए सभी पक्षों को बुलाया गया है। देखिए, ओबीसी बहुत बड़ा वर्ग है और ये कहना कि ओबीसी वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, 72,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार जब हमारी थी, मनमोहन सिंह जी ने किसानों की माफ की थी, और इसी तरह जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। सबसे ज्यादा खेती किसानी में पिछड़ा वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। अगर आरक्षण बढ़ाने का काम किया तो कांग्रेस सरकार ने किया, इन्होंने तो रोकने का काम किया, 19 महीने रोक के रखा, जबकि कोर्ट ने सिर्फ 3 विभागों में रोक लगाई थी। ये तो कसूरवार है, इनको तो माफी मांगना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए अगर काम किया है कमलनाथ जी ने, कांग्रेस सरकार ने, तो इनको धन्यवाद देना चाहिए। आभार यात्रा कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी जो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ है वो आके यहाँ पे मिल के गए हैं और उन्होंने निवेदन किया कि कांग्रेस की झंडी दिखा दीजिए, तो जा रहे गांव गांव जाके बताएंगे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, इसमें क्या बुराई है। 27% आरक्षण को लेकर मामला कोर्ट में लंबित है। बावजूद इसके मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि ओबीसी बहुत बड़ा वर्ग है, इस वर्ग के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये कहना गलत है। उन्होंने कहा पूर्ववर्ती डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया था। आइए सुनाते हैं और क्या कुछ कहा पूर्व मंत्री पटेल ने। वहीं कांग्रेस की आभार यात्रा को लेकर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि उन्होंने ऐसी आभार यात्रा पहली बार देखी है। इसमें कमलनाथ खुद दूल्हा बने हैं और खुद ही बारात में नाच रहे हैं। ये कैसी आभार यात्रा है जिसमें वो खुद ही झंडी दिखा रहे हैं। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। वहीं काम हमने किया है और यात्रा कांग्रेस निकाल रही है। मंत्री विश्वास सारंग ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अब आभार, कांग्रेस की आभार यात्रा का भी जोरदार मामला है। कमलनाथ जी खुद ही दूल्हे बन रहे हैं और खुद ही बराती बनकर डांस करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद के लिए ही आभार यात्रा निकल रही है और खुद ही झंडी दिखा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रही कि इतनी राजनीति में फोटो छपवाने की और श्रेय लेने की होड़ क्यों मची हुई है। इस तरह की तो कभी मैंने बारात नहीं देखी कि दूल्हा ही घोड़ी लाए, घोड़ी पर बैठे, खुद ही डांस करे और खुद ही व्यवस्थाएं करे। मुझे आश्चर्य है कि कमलनाथ जी जैसे इतने वरिष्ठ नेता इस तरह की छोटी राजनीति कर रहे हैं। आभार यात्रा को रवाना करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी सरकार ने कभी भी पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ नहीं दिया। जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आई तो हमने इसे लागू किया और अब यह इसका झूठा श्रेय लेना चाहते हैं। अब जनता खुद फैसला करेगी। सुनिए आगे क्या कुछ कहा पूर्व सीएम कमलनाथ ने। 28 साल शिवराज सिंह जी कहते रहे कि मैं ओबीसी का रक्षक हूं और आज तक क्या है, आज तक
हमारे पिछड़ी जातियों का ओबीसी का आरक्षण 27% नहीं हुआ। अब जब से हम लोग लगे, जब हमारी गवर्नमेंट आई, हमने लागू किया, अब ये इसका श्रेय लेना चाह रहे, जनता फैसला करेगी। ये भावनाओं की बात होती है, ये मुंह चलाने से काम नहीं चलता, ये भावनाओं की बात होती है, दिल की बात होती है। ये जो हमारे दिल भावना और हमारी नियत थी उसके अनुसार हमने 27% लागू किया था। और भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने का प्रयास कर रही है, मुझे श्रेय की आवश्यकता नहीं। सामाजिक न्याय कांग्रेस ने कभी नहीं किया किसी समाज के साथ, उसका इतिहास है। और इसलिए पिछड़ा वर्ग के भाई बहन या कोई भी वंचित भाई बहन हो, उनको भारतीय जनता पार्टी के बारे में पता है। केंद्र स्तर पर भी, हमारी स्टेट में, इसलिए यात्राओं से कुछ होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश के लोगों को इतना मूर्ख न समझे, और ओबीसी के भाइयों को भी कांग्रेस इतना मूर्ख नहीं समझे, ये उसका मुगालता है। एमकेएन स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की यात्रा की, जहां पर आपको बता दें कि कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में की परीक्षा हुई कि 27% आरक्षण जो है वो पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनको मिलना चाहिए, और इसी को लेकर 14-27% अपने श्रेय को लेने के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की होड़ लगी हुई है। दूसरी तरफ अगर नजर डालें तो ये बात कहना गलत नहीं होगा कि जब कांग्रेस की सरकार 15 महीने की सरकार आई थी तो 27% आरक्षण देने के लिए कमलनाथ ने ही आवाज उठाई थी, लेकिन उसका श्रेय यहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है, ये कहना है कांग्रेसी नेताओं का। वहीं आपको बता दें कि यहां पर जब ये यात्रा निकाली जा रही है तो मुद्दा ये भी उठता है कि आखिरकार जब कमलनाथ, पूर्व सीएम कमलनाथ के नेतृत्व में ये यात्रा जब निकाली जा रही है तो आखिरकार हरी झंडी उन्हीं के द्वारा क्यों दिखाई जा रही है, ये भी तमाम मुद्दे जो है वो बीजेपी नेताओं द्वारा उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से यात्रा निकाली जा रही है कहीं ना कहीं उसका श्रेय जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस को, लेकिन दूसरी तरफ अगर नजर डालें तो बीजेपी पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से यात्रा निकाली जा रही है लोगों को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि ये जो 27% आरक्षण का मामला है वो तो बीजेपी ने उठाया था। देखिए, जो यात्रा निकाल रही है कांग्रेस सरकार का फैसला है, कांग्रेस सरकार को हक है कि वो यात्रा निकाले या उसका श्रेय ले। मामला कोर्ट में था, ये सभी की जानकारी में था, कोर्ट में है मामला। यदि उस पर एक कोई नया आदेश जारी हो जाता है तो मूल आदेश तो खत्म नहीं हो जाता। तो जो भी श्रेय लेने की होड़ है तो भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह के जो है प्रयास निश्चित तौर पर वह भी कर रही है, क्योंकि राजनीतिक दलों का काम है कि वो अपने लिए जन समर्थन जुटाएं या अपने कामों की उपलब्धियों का जो है जनता के सामने रखें, और ये जनता को तय करना है किसने लाभ दिया है या किसने नहीं दिया। जी दिनेश जी, दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से कोई दो राय नहीं है इस बात में कि जब कमलनाथ की सरकार आई थी कुछ समय के लिए आई थी, लेकिन हाँ उन्होंने आरक्षण के लिए मुद्दा उठाया था, लेकिन चूंकि अब यहाँ पर श्रेय लेने की बात कही जा रही है तो कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहती है कि जो श्रेय है वो बीजेपी को ही मिले, हालांकि बीजेपी सरकार में ही यहाँ पर इसको अब ज्यादा मान्यता मिलने की बात भी कही जा रही है। देखिए, ये रणनीति की बात है, और ये बात कहीं मैंने कहा ना कि ये तो सभी इस तथ्य को जानते हैं कि कांग्रेस सरकार ने इसका फैसला किया था जी। तो भारतीय जनता पार्टी यदि उसको अपने खाते में डालना चाहती है तो इस सच को थोड़ी वो झुठला सकती है कि 2019 में जो आदेश कांग्रेस सरकार ने जारी किया था तो क्रेडिट उसी को जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आदेश जारी किया है आरक्षण लागू करने का, उसमें भी लिखा हुआ है कि 2019 में जारी किया गया है जी। तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी की दुविधा है कि वो इस आरक्षण की राजनीति में अपने आप को जो है कैसे जनता के बीच स्थापित करे जी। दिनेश जी, दूसरी तरफ अगर बात करें तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का ये भी बयान सामने आया है कि कमलनाथ के लिए निकाली गई है ये यात्रा उनको खुश करने के लिए, और वो ही हरी झंडी देते हुए नजर आ रहे हैं, ये मामला कुछ समझ नहीं आया। देखिए,
जो भी नेता होता है, कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तो निश्चित तौर पर जब वो यात्रा निकाल रहे हैं तो कमलनाथ के लिए ही निकाल रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी निकालती तो शिवराज सिंह जी के लिए निकालती, पीवी शर्मा जी के लिए निकालती। तो राजनीतिक दल में जो चेहरा होता है उसी के खाते में ये श्रेय दिया जाएगा। जी दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि एमकेएन स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के यात्रा की, जो 27% आरक्षण को देने के लिए आभार यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन आभार यात्रा में राजनीति जो है वो गरमाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी के नेता हैं वो अपने ऊपर श्रेय लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन पदयात्रा जो है वो निकाली जा रही है उसके जरिए ये नजर आता है कि कांग्रेस चाहती है कि यह जो आरक्षण है वो पूरा जो श्रेय है कांग्रेस को मिले। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता योगेश गुप्ता जुड़ गए हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन। योगेश जी, क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ तो बीजेपी सरकार पूरा श्रेय लेना चाहती है कि हमारे द्वारा ही जो आरक्षण है वो अब मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये भी नकारा नहीं जा सकता कि कांग्रेस की सरकार जब आई थी मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस ने ही सबसे पहले सवाल उठाया था कि हाँ 27% जो आरक्षण है वो मिलना चाहिए। जी योगेश जी, देखिए माननीय कमलनाथ जी ने अपने 15 माह के अल्प कार्यकाल में जो मध्य प्रदेश की जनता के हितों को साधा है, अगर उसको वास्तविक स्वरूप में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के 15 साल बनाम 15 माह कार्यकाल भारी पड़ते कमलनाथ जी के। उन्होंने ओबीसी आरक्षण की बात कही नहीं है, उन्होंने ओबीसी आरक्षण वर्ग के 27% को लागू किया था जी। जिसे मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार समझने में थोड़ी सी असमंजस की स्थिति में रही, 16-17 महीने निकाल दिए। तत्पश्चात हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश मध्य प्रदेश सरकार को जारी किए हैं कि केवल 2-3 विभागों को छोड़कर आप अन्य विभागों में इस 27% आरक्षण जो ओबीसी वर्ग के लिए कमलनाथ सरकार ने किया था उसको लागू कर सकते हैं यथावत रूप से। तो माननीय कमलनाथ जी ने इसी को लेकर 15 जिलों में आभार यात्रा के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने अपनी 15 माह की सरकार की उपलब्धियों को रखना और शिवराज सरकार की नाकामियों को उजागर करने का एक उद्देश्य लेकर चल रही है कमलनाथ जी की सरकार। तो उसी के लिए ये आभार यात्रा का प्रयोजन किया जा रहा है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में पेट में दर्द है जी। दूसरी तरफ योगेश जी, नजर डाले तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा कि जब कमलनाथ जी के लिए यात्रा निकाली जा रही है तो आखिरकार उन्हीं ने हरी झंडी क्यों दिखाई। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि शायद कांग्रेस को खुद पर विश्वास नहीं है, क्योंकि जब जनता चाहती है और जनता जानती है कि हाँ कांग्रेस ने ही इस मुद्दे को उठाया था आरक्षण को लेकर, तो आखिरकार इस यात्रा निकालने का श्रेय जो है वो कांग्रेस को क्यों जाएगा। देखिए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से माननीय कमलनाथ जी ने उस आभार यात्रा को आगाज दिया है, उसको हरी झंडी देकर रवाना किया है। इसमें कहीं भी कुछ गलत नहीं है। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है, हमारे नेता है, सर्वे सर्वा है। माननीय कमलनाथ जी की उपलब्धियां मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है उनको, चाहे वो भूमाफियाओं को लेकर कार्रवाई की गई हो या शुद्ध के लिए युद्ध लड़ा गया हो या 27 लाख से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ किया हो, उनका बिजली का बिल हाफ किया हो या इंदिरा गृह ज्योति योजना के माध्यम से 100 यूनिट तक का बिल 100 रुपए किया गया हो, तो प्रदेशवासी माननीय कमलनाथ जी के कार्यों को सराहा था उन्होंने। जनादेश भी मध्य प्रदेश में 15 साल बाद मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया था। षड्यंत्र पूर्वक धन बल बाहुबल के आधार पर इन्होंने उन्हें कुर्सी हत्या तो ली, लेकिन पिछले 15 महीने से शिवराज जी पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री हैं। 17 साल हो गए, इन्होंने पिछड़े वर्ग के हितों को साधने के लिए क्या किया? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहूंगा कि प्रदेश के जो 27% ओबीसी वर्ग का आरक्षण को लेकर पिछले 15 साल से लेकर और पिछले 15 महीने से शिवराज सरकार ने क्या उपाय किए? वो तो दबा के जड़ गए थे इसको। तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी ने सराहनीय कार्य किए हैं, उनके अथक प्रयासों का ही ये परिणाम है कि ओबीसी वर्ग आज लाभान्वित होने जा रहा है। बिल्कुल योगेश जी, 20 सितंबर को अंतिम सुनवाई होनी है, पक्षों को भी बुलाया गया है, क्या लगता है क्या कुछ हो सकता है? देखिए 30 सितंबर को देखिए कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो भी फैसला होगा वो सभी को मान्य होता है जी। लेकिन मेरा और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है
कि जिस तरीके से 27% आरक्षण को लेकर जो मजबूती के साथ कांग्रेस सरकार ने पहल करी थी उसमें अवश्य ही जीत होगी और प्रदेश के एक बहुत बड़े ओबीसी वर्ग का हितों का कल्याण होगा और निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू किया जाए। बिल्कुल, जनता के विकास के लिए और जनता के ही लाभ के लिए अगर राजनीति होगी तो ठीक भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश जी जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता जी से हमारी बात हुई जिन्होंने अपना पक्ष रखा जी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गुलरीज शेख जुड़ गए हैं। गुलरीज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। गुलरीज जी क्या कुछ कहेंगे मामले में, आभार यात्रा निकाल रही है कांग्रेस, श्रेय जो है वो तो मिल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन क्या कुछ कहेंगे मामले, क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार आरोप लगाते हुए भी नजर आ रही है कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने ठीक है माना कि 27% आरक्षण देने के लिए काफी काम किया है, लेकिन हाँ कांग्रेस ने ही इसे हरी झंडी दिखाई थी, कांग्रेस ने ही 27% आरक्षण देने के लिए सवाल उठाया था और साथ ही साथ ये अब निपटा हुआ भी नजर आ रहा है। ये कुछ भी नाम दे दे, आभार यात्रा दे दे, प्रभार यात्रा दे दे, जो भी यात्रा का नाम दे दे, लेकिन हम तो जनता के बीच में रहते हैं और जनता इसको बोल रही है कि धिक्कार यात्रा है यह, क्योंकि ऐसा कोई सका वर्ग नहीं है मध्य प्रदेश में और देश में जिसको इनने ठगा नहीं है। आप ये बताइए, एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की थी पिछड़ा वर्ग को और जब वकील खड़ा करने की बात आई न्यायालय में तो अपने वकील नहीं भेजे, अच्छे वकील तक नहीं भेजे जानबूझ के, ताकि ये चाहते थे कि ये अटक जाए, वो अटका दिया था। हमारी सरकार आई, हमने टॉप लेवल के लॉयर्स को लगाकर ये काम करके दिखाया। दूसरी बात में जनता देखी, जनता सब कुछ जानती है। मध्य प्रदेश में हमारे 4 मुख्यमंत्री रहे भाजपा के आज तक, सुंदर लाल पटवारी के अथवा बाकी 3 मुख्यमंत्रियों को देख लीजिए, उमाश्री भारती जी हुई, बाबूलाल गौर हुए, शिवराज सिंह चौहान हुए, तीनों के तीनों पिछड़ा वर्ग के हैं। तो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है पिछड़ा वर्ग को, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री दिया है पिछड़ा वर्ग का नरेंद्र मोदी जी के रूप में। 60 साल तक जिस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने शासन किया हिंदुस्तान पर, पिछड़ा वर्ग आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तक नहीं दिया, वो हमने देकर दिखाया। मध्य प्रदेश का कैबिनेट देख लीजिए, चाहे मोहन यादव हो या दूसरे हो, या फिर केंद्रीय कैबिनेट देख लीजिए जिसमें 27 ओबीसी के कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए हैं मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने। साथ ही नीट की एग्जाम में, मेडिकल की सीट में, MBBS और पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टरी की सीट में पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से प्रावधान रखा है आरक्षण का। तो हम तो उनको मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये लोग केवल और केवल ठगते हैं लोगों को, उनका वोट लूटते हैं, इसीलिए जनता कह रही है कि धिक्कार यात्रा है। गुलरीज जी वो तो ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता है, बीजेपी के जो नेता है वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हाँ अगर यहाँ पर जो यात्रा निकल रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ज्यादा ज्यादा जनता भी ये जानती है कि किस तरीके से बीजेपी ने काम किया है और कांग्रेस ने काम किया है, लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि यहाँ पर अगर फर्क नहीं पड़ता है बीजेपी को तो बीजेपी के नेता बयानबाजी करते हुए नजर क्यों आते हैं इस आभार यात्रा को लेकर? नहीं, हम क्या बयानबाजी करेंगे, देखिए बीजेपी का नेता जो होता है ना वो जमीन का नेता होता है, जो जनता का मत होता है, जो जनता के शब्द होते हैं वो बीजेपी के नेता के शब्द होते हैं। तो जो जनता सड़क पे बोल रही है वो हम आपके सामने बोल रहे हैं, अब आप उसको कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जो डेमोक्रेसी होती है उसमें जनता के शब्द ही नेता को बोलना चाहिए, वही काम हमारा नेता कर रहा है जी। कुलरेश जी ये बताइए, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है कि अगर स्पेशली पूर्व सीएम कमलनाथ के लिए ये आभार यात्रा निकाली जा रही है तो आखिरकार यहाँ पर जो हरी झंडी दिखाई है वो कमलनाथ ने क्यों दिखाई है, किसी बड़े नेता ने क्यों नहीं दिखाई है, इस बयानबाजी का क्या मतलब निकाले? नहीं, बड़े नेता ने भी, और दूसरी बात एक और भी है ना कि आप देखिए कि इनके पास एक पिछड़ा वर्ग का बड़ा नेता हुआ करता था अरुण यादव। अरुण यादव की क्या स्थिति बना दी, मतलब एक टिकट लेने के लिए उसको दर दर भटकना पड़ रहा है, घुटने के बल बैठना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी से आप पूछ लीजिए,
कि इन्होंने 55 साल लगभग मध्य प्रदेश पे शासन किया, 55 साल में एक भी पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री देने की इनने जरूरत नहीं समझी। एक जो अध्यक्ष था भूमि यादव, उसकी क्या स्थिति बना दी है, उनके पिताजी दिग्विजय सिंह जी से बड़े नेता थे लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया था, लगातार उपेक्षा करते हैं ये, तो जो सच्चाई है उसको बोलना पड़ेगी ना, चाहे मैं बोलूँ या फिर हमारे मंत्री बोले, चाहे सारंग साहब बोले, क्यों नहीं बोलेंगे सच्चाई जी। गुरदेश जी, आखिरी सवाल, 20 सितंबर को अंतिम सुनवाई है, सभी पक्षों को हाजिर रहने के लिए भी कहा गया है, क्या कुछ लगता है कि क्या फैसला आ सकता है आरक्षण को लेकर? देखिए अभी तो चुकी ये चीज जो है वो कोर्ट में है, इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए जी। गुरदेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ कांग्रेस की आभार यात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए कि आखिरकार जब कोई भी यात्रा निकलती है तो इससे जाहिर होता है कि कोई भी पार्टी ये दर्शाना चाहती है कि आखिरकार उस पार्टी ने जनता के लिए और जनता के विकास के लिए क्या कुछ काम किए हैं। तो दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार जनता को अपने काम दिखाने के लिए, अपने विकास के कार्यों से अवगत कराने के लिए ऐसी यात्रों का सहारा क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि विकास तो दिखता है, विकास बातों से या फिर यात्रा से नहीं बताया जाता बल्कि कामों से बताया जाता है। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आभार यात्रा को लेकर जनता पर क्या कुछ असर पड़ता है, और स्पेशली जब 20 सितंबर को इस पर फैसला आता है तो क्या कुछ फैसले के आधार पर 27% आरक्षण को लेकर मान्य होता है या फिर इसे भी आधा अधूरा यूं ही छोड़ दिया जाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए एमकेएन के साथ, नमस्कार।